शव को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठे दिग्विजय सिंह आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की लाश के साथ थाने के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता के अलावा मृतक सलमान के परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद रहे। खजुराहो थाने के सामने एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है जिसमें सभी लोग धरना दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव नहीं दफनाएंगे। राजनगर में राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विक्रम सिंह नाती राजा के साथ ही कांग्रेस पार्षद सलमान खान की मौत के बाद आईपीसी की धारा 302, 307 सहित कई धाराओं में 20 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब दिग्विजय सिंह देर रात खजुराहो थाने के सामने हजारों समर्थकों सहित टेंट में खाट पर ही सो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के साथ द्वेष भावना के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं की। भाजपा का ये काम बेहद निंदनीय है। परिवार के लोग और मैं तब तक यहां धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कि सलमान खान की हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाता है। एक और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सैकड़ों समर्थकों एवं मृतक के परिजन और रिश्तेदार धरना दे रहे थे तो दूसरी तरफ शव रखा हुआ था। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में ये धरना और भी बड़ा हो सकता है। आसपास के कांग्रेस कार्यकर्ता छतरपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन एवं पुलिस पर मानसिक रूप से दबाव बना हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।